मैं फ़िलहाल अपने कॉलेज में हूँ और मेरे एग्ज़ाम चल रहे हैं, लेकिन आज क्या हुआ, आज मैं कॉलेज आई और मुझे पता चला कि आज का जो एग्ज़ाम है वो कैंसिल हो गया है। एक्चुअली ये कैंसिल अचानक से ही हुआ, पहले से नहीं हुआ था। तो इतना टाइम वेस्ट करने के बाद पता चला कि एग्ज़ाम नहीं है, तो वापस घर जाना पड़ा। और ये पिक्चर है, मैं जो अपने फर्स्ट एक्सकर्शन साइट पे गई थी तब की ये पिक्चर है, जो कि मेरे क्लासरूम में ही लगी हुई है। मेमोरी है अच्छी। नाउ आई एम गोइंग टू बैक होम, वापस घर जा रही हूँ, क्योंकि जब एग्ज़ाम ही नहीं हुआ तो यहाँ रुकने का क्या फ़ायदा। कॉलेज में मेरी ग्रीनरी को मेंटेन करके रखा हुआ है। जब मैं ग्रेजुएशन में थी तभी ये बिल्कुल अच्छे से ग्रीन भी यहाँ पर थी और अभी भी वैसे ही है। ये है पोल जहाँ पर 15 अगस्त को झंडा फहराया जाता है। ये रहा बास्केटबॉल ग्राउंड और ये मेरा टेंपल भी है मेरे कॉलेज में, जो कि चूँकि हम नॉर्थ इंडिया में रहते हैं तो नॉर्थ इंडिया में जितने भी टेंपल हैं वो नागर शैली में बने हुए हैं। अगर किसी को इन शैलियों के बारे में पता है तो वो समझ रहा होगा। और ये मेरे घर आने के बाद कॉलेज से स्टार्ट हो गई है बारिश, और बारिश बहुत ही तेज़ हो रही है। सुबह में तो धूप थी जब मैं कॉलेज गई थी, लेकिन बारिश स्टार्ट हो गई है, ये काफ़ी तेज़ बारिश हो रही है। मेरे फ़ोन पे भी काफ़ी पानी आ रहा है, इससे पहले भी थोड़ी बारिश हुई थी लेकिन रुक गई थी, अब और तेज़ हो गई है। बारिश और तेज़ बढ़ गई है और हवा भी अब और तेज़ हो गई है। आई होप ये बारिश कंटिन्यू रहे। बारिश वैसे इंसानों के लिए तो अच्छी होती है, लेकिन एनिमल वगैरह को बहुत दिक्कत हो जाती है छुपने में, रहने में। ऐसे तो वो आराम से कहीं भी रह लेते हैं, लेकिन बाहर जो रोड के एनिमल है, गाय कुत्ते और जो भी है, इवन जो उड़ने वाले पक्षी है, जैसे कबूतर बहुत है मेरे घर के पास, मोर, वो लोग बेचारे इधर उधर भटकना स्टार्ट कर देते हैं बारिश की वजह से। पर्सनली मुझे बारिश बहुत पसंद है। ठंड के बाद एक बारिश का ऐसा मौसम है जो मुझे बहुत अच्छा लगता है, और बारिश भी ऐसी जो बिल्कुल तेज़ हो, जैसे अभी हो रही है, नॉर्मल वाली बारिश नहीं, ये भीगने वाली बारिश है, नहाने वाली बारिश। नाउ लेट्स मेक द आलू टिक्की चाट, क्योंकि मौसम भी बहुत अच्छा हो रहा था और मेरी मॉम को वैसे भी कुकिंग का बहुत शौक है। मॉम मेरी हमेशा कुकिंग करती रहती हैं, वो बनाती रहती हैं कुछ ना कुछ नया या जो भी उनका दिल करे। तो इसके लिए मॉम ने आलू को बॉईल करके मैश किया, उसमें थोड़ा ज़ीरा पाउडर, चाट मसाला, सॉल्ट और रेड चिली डाला और कोरिएंडर कट करके डाल दिया। डालने के बाद इसको अच्छे से मिक्स कर लिया, बहुत ज़्यादा और मसाले नहीं डाले, बस इतने ही मसाले यूज़ किए इसमें। जब ये अच्छे से मिक्स हो गया तो जो कबाब जिस शेप में बनते हैं उस शेप में इसको गोल गोल बनाया, ताकि जो टिक्की होती है उसका इसको शेप मिल जाए, क्योंकि चाट में जो टिक्की गोल यूज़ होती है। वैसे कई बार मेरी मॉम स्क्वायर टिक्की भी बना चुकी हैं, लेकिन अभी फ़िलहाल ये गोल टिक्की थी। तो जितना भी ये मैश पोटैटो है उसका सारे की टिक्की बना लेंगे, और टिक्की बनाने के बाद इसको फ्रिज में रख देंगे। फ्रिज में हाफ एन आवर या वन आवर के लिए रख सकते हैं, वैसे इससे ज़्यादा के लिए भी रख सकते हैं, क्योंकि जितना टाइम ये रहेगी फ्रिज में उतनी ये ज़्यादा सॉलिड हो जाएगी, तो टूटेगी नहीं जब ये फ्राई होगी। तो हाफ एन आवर के बाद मॉम ने फिर से निकाला और ऑयल लिया एक पैन में, और जितनी भी टिक्की बनाई थी उसको फ्राई होने के लिए रख दिया। 10 से 15 मिनट में या ज़्यादा से ज़्यादा 20 मिनट में ये दोनों तरफ से अच्छे से फ्राई हो गई थी। और मुझे वैसे एक चीज़ ज़्यादा लगी, मॉम ने ऑयल इसमें यूज़ किया जो कि मुझे लगा ज़्यादा है, तो इतना ऑयल, क्योंकि मैं अगर कुछ बनाती हूँ तो कभी भी ज़्यादा ऑयल यूज़ नहीं करती, लेकिन मॉम ज़्यादा ऑयल यूज़ करती हैं, तो उन्होंने काफ़ी ऑयल यूज़ किया और उसमें इसको बिल्कुल डीप फ्राई जैसे होती है वैसे इसको फ्राई किया। मैं अगर कभी भी ऑयल लेती हूँ तो चाहती हूँ कि मैं कम ऑयल यूज़ करूँ, लेकिन ठीक है, फ्राई होने के बाद इसका टेस्ट काफ़ी अच्छा आया था। तो दोनों साइड से जब ये अच्छे से कुक हो गई तो इसको फिर मॉम ने एक प्लेट में निकाला, और प्लेट में निकालने के बाद मॉम ने इसको थोड़ी देर ठंडा होने के लिए रख दिया। बिल्कुल गर्म ही इसको मॉम ने बनाया नहीं, थोड़ी देर ठंडा किया, उसके बाद अगर चाहे तो ज़्यादा देर भी ठंडा कर सकते हैं, वैसे ज़्यादा ठंडी हो जाने पे अच्छी नहीं रहती, तो मॉम ने थोड़ा देर ठंडा किया। जब थोड़ा ठंडी हो गई तो उस पर ये चटनी और रायता
रायता के अच्छी से दही को जीरे और चीनी में मिक्स किया है, और जो चटनी है वो ग्रीन चिल्ली, कोरिएंडर और सॉल्ट और नींबू की डाली। तो मॉम ने आलू टिक्की रखी, टिक्की के ऊपर सबसे पहले मॉम ने छोला डाला, क्योंकि छोला मॉम ने पहले से घर में बना रखा था, वो मॉम ने पहले से प्रिपेयर कर लिया था इस आलू टिक्की के पहले ही। तो टिक्की डाली, टिक्की के बाद मॉम ने इस पर छोला डाला, छोला डालने के बाद जो दही मॉम ने बनाई थी वो दही इसके ऊपर अच्छे डाली, और मॉम ने सिर्फ ऐसे ही इसको डाला नहीं, मॉम अच्छे से इसको डेकोरेट भी करी थी ताकि ये अच्छी लगे। अच्छी चीज़ दिखने में भी अच्छी लगती है तो खाने में भी अच्छी लगती है। देन ये मीठी चटनी भी मॉम ने खुद ही घर में बनाई थी, वो मीठी चटनी डाली, और मीठी चटनी डालने के बाद जो भी अगर कुछ क्रंची चीज़ें भी मॉम को मिली वो मॉम ने डाल दी, जैसे ये नमकीन मॉम को घर में थी तो ये नमकीन मॉम ने ऊपर से स्प्रिंकल की, और थोड़े क्रिस्पनेस के लिए पापड़ भी घर में था तो मॉम ने उससे भी इसको अच्छे से डेकोरेट कर दिया और इसको खाने के लिए रेडी कर दिया। तो मॉम ने बनाया और बहुत अच्छे से बनाया, मुझे तो ये बहुत पसंद आई, और आज इसके अलावा मैंने कुछ इतना किया नहीं। तो ये था मेरा आज का पूरा डे जिसको मैंने इंजॉय किया, काफ़ी सुंदर भी है। सो थैंक यू।